राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले मयंक सोनकर ने न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा आदर्श नगर इलाके में रहने वाले मयंक ने यूरोप में भी भारत का परचम लहराया और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सभी का दिल जीत लिया। यूरोप के स्लोवेनिया देश में 4 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मैसेज अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। मयंक सोनकर है यूरोप सहित 28 देशों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल यानी कोच पोजीशन हासिल की है और भारत देश का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर कर दिया। अपने गुरुजी सुनील लोचाब जी के मार्गदर्शन में मयंक सोनकर ने यह गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। मयंक ने MR फिटनेस मॉडल कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट किया। मयंक ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान दिया और उसकी कड़ी मेहनत और लगन का यह नतीजा निकला कि आज वह देश के लिए यूरोप में भी गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। इसके बाद से ही इलाके के लोग हर्षित हो उठे और मयंक का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और इवेंट के प्रेसिडेंट ने मयंक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, लड़का गोल्ड मेडल जीत के आया हुआ है, आप भी आशीर्वाद देने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मयंक आदर्श नगर विधानसभा जहांगीरपुरी एच ब्लॉक दिल्ली और देश पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। यूरोप में जो है 28 देशों से प्रतियोगिता में प्रतियोगी भाग लेने आए थे और उन सबको पछाड़ कर गोल्ड मेडल लेना बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, हमारे आदर्श नगर विधानसभा के लिए और हमारी जहांगीरपुरी एच ब्लॉक के लिए। राजेश भाई हमारे मयंक के पिता और चाचा मुकेश सोनकर समाज का, जहांगीरपुरी का, आदर्श नगर का, दिल्ली का और देश का नाम रोशन किया है और मैं बधाई देता हूँ। और मैं मयंक को बस इतना ही कहूँगा कि बेटा ऐसे ही मेहनत आप करते रहो और भी आगे जाओ। किस प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल जीत के आए थे सर? ये फिटनेस जो है मॉडल में जो है इन्होंने वो जीता है गोल्ड मेडल। क्या देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों को, खास करके यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मयंक ने मेहनत की, इनसे सीखना चाहिए हमारे यूथ को और बाकी देश के बुजुर्ग, हमारे आदर्श नगर के बुजुर्ग, जहांगीरपुरी के बुजुर्ग सभी को जो है आशीर्वाद देना चाहिए। इन्होंने जो है इतनी मेहनत करके हमारे देश